एक तो आपके साथ गलत करेंगे, अगर आप उसको इंडिकेट करेंगे कि भैया आप ठीक नहीं कर रहे, वो आपके गले पड़ जाएगा अगला बंदा। आप उसे बोलिए गाड़ी गलत लगा दी, वो गले पड़ जाएगा कि तुम्हारे बाप की गली है, मैंने लगा दी गाड़ी। हाँ, ये रवैये जो है ना, ये इंकसारी नहीं है, हमारे यहाँ सादगी नहीं है, इज्जत नहीं है, हम एक बिल्कुल एक बदमाश टाइप के लोग हैं। हमें कोई भीख भी देता है ना तो हम उसको भी गाली देते हैं कि बेगैर आदमी ये क्या दिया मुझे। हाँ, तो वसूल खान ने कल परसों कॉलम था इसी मजमून, उसका अनुमान ही यही है कि वो बगैरता है, करा देती है। तो क्या आप जो कोई आपकी आपकी मर्जी का वो नहीं कर रहा, आपकी पसंद की हाँ नहीं बोल रहा, तो आप उसके दुश्मन हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मेरा ही शेर था कि वो आदमी है तो आदमी के लिए क्यों नहीं मेहरबान आदमी जी, कि हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिए। क्यों नहीं हम क्यों नहीं कि वो कि ये मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अदब जो है तो बना लिया। जी जी जी, अदब अदब क्यों जरूरी होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, ये सवाल आप चूंकि प्रोग्राम करते हैं आप करें, आप शायरों अदीबों से पूछें कि अदब की क्या अहमियत, अदब क्यों जरूरी है, अदब से आप पैसा तो नहीं कमा रहे। आप देख लें दुनिया में, अच्छा आपका स्टेक होल्डर एक शायर अदीब भी है, आपका स्टेक होल्डर एक सियासतदान भी है, लेकिन आप एक सियासतदान का लाइफस्टाइल देख लें, आप किसी बहुत बड़े ओहदे के जो लोग फाइज हैं, सरकारी अफसरान हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, फौजी जनरल्स हैं, उनका लाइफस्टाइल देख लें, एक शायर अदीब का लाइफस्टाइल देख लें, एक फनकार का लाइफस्टाइल देख लें बेचारे का। हालांकि स्टेक होल्डर तो एक आर्मी चीफ अगर स्टेक होल्डर है पाकिस्तान का तो मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, लेकिन हम दोनों के लाइफस्टाइल में कितना फर्क है, ठीक है ना। तो ये क्यों, अच्छा अदब क्यों जरूरी है, अदब आदमी के अंदर एक तो शख्सियत बनाता है आपकी ना, आपको बताता है कि इंसान में खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। जैसे हम शेक्सपियर का एक जुमला है, उन्होंने शेक्सपियर कहते हैं कि हम अपनी 10 गलतियां दिन में माफ कर देते हैं लेकिन दूसरे की कोई गलती भी माफ करने को तैयार नहीं होते। तो अदब आपको ये सिखाता है कि हमें दूसरे की गलतियां भी माफ करनी चाहिए। देखिए इंसान है तो इंसान के साथ खराबियां भी हैं, गुनाह भी इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, नापाकी भी आपके साथ जुड़ी हुई है, सब कुछ आपके साथ है। आपका खून जब तक आपके बदन के अंदर है वो पाक है, मुकद्दस है, लेकिन वही खून आपके कपड़ों को लग जाए आप नमाज नहीं पढ़ सके, ठीक है ना। ये थूक जो आपके मुंह में है, ये जरा सा थूक आप किसी के ऊपर गिर जाए बोलते हुए बात करते हुए, अगला बहुत बुरा मानता है। जबकि ये थूक अगर ना हो तो आपकी जुबान जो है वो तालू से चिपक जाएगी, आप बात नहीं कर सकेंगे, खाना नहीं खा सकेंगे। ये अल्लाह ताला का निजाम है। तो इंसान के अंदर अच्छा बुरा सब कुछ है। अदब इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए एहतराम और बर्दाश्त पैदा करता है। अदब की सबसे बड़ी इफादियत ये है। आप अदब से पैसा नहीं कमाते, आप अदब से कोई और कुछ नहीं, घर नहीं बना लेते, गाड़ियां नहीं खरीद लेते, लेकिन अदब आपको एक अच्छा इंसान। खलील जिब्रान ने एक जगह कहा था कि शायरी हमेशा पाकीजा रूहों में घर बनाती है, जिसकी रूह पाकीजा नहीं होगी वो कभी अच्छा शायर नहीं होगा, कभी वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं होगा। चेखोव ने कहा था, चेखोव कहते हैं कि जिंदगी के हर शोबे में झूठ चलता है लेकिन अदब और आर्ट में झूठ नहीं चलता, झूठ नहीं चलता। अदब और आर्ट में जब आप झूठ बोलेंगे आप पकड़े जाएंगे, आपको अगला बंदा बोलेगा यार ये गलत, ये झूठी कहानी है, या इस गजल के पीछे, इस नज्म के पीछे आपका आपका अपना आप नहीं है, आपकी जात इसमें नहीं है। मीर क्यों मीर है, गालिब क्यों गालिब है, वो पूरी उनका उनका सेल्फ उसके अंदर मौजूद है। उन्होंने जो देखा जिंदगी जैसे गुजारी, अच्छा बुरा, रंजो अलम, जिस तरह से भी उन्होंने देखा, उन्होंने अपने फन में डाले, उसने अपने अपने दुख को भी फन बना दिया, अपनी खुशी को भी फन बना दिया, अपनी उम्मीद को, अपनी नाउमीदी को फन में ढाल दिया, आर्ट का दर्जा दे दिया। देखें आप, आर्ट क्या है, किसी भी मामूली चीज को गैर मामूली बना देने का अमल आर्ट कहलाता है। बिल्कुल, चावल का एक दाना है, एक नॉर्मल चावल का दाना है, उसपे कुल्हू अल्लाहु अहद लिख दें, वो आर्ट का शहपारा हो जाएगा। माचिस की तीली का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख दें, वो माचिस की तीली करोड़ों में बिक जाएगी। वो आप यार देखो कैसा शानदार काम किया है सर। तो ये है आर्ट, ये मामूली चीजों को आप वो बना देते हैं। अदब का भी यही मामला है। तो अच्छा खैर, बातें बहुत सारी मैं आपको सुनाता हूँ कि हम से झूठते हैं, बच्चे बच्चे से झूठ बोलते हैं, हम गरले से झूठ बोलते हैं, बच्चे बच्चे से झूठ बोलते हैं, अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ, अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं, अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं, बेशक अच्छा अच्छा बताते हैं सब कुछ और अच्छे से झूठ बोलते हैं, जाने वाले को कहते हैं झूठा, जाने वाले को कहते हैं झूठा, आने वाले से झूठ बोलते हैं,
जाने वाले को कहते हैं झूठा, आने वाले से झूठ बोलते हैं, झूठी खाते हैं। बात है।